प्यारे दोस्तों, कार ड्राइविंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हाई स्पीड में ब्रेक लगा सकते हो। हाउ टू ब्रेक ऑफ ए कार एट हाई स्पीड। मान लो कि आपका गियर है फिफ्थ गियर पे हो और आपकी जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। इस स्पीड पे आपको ब्रेक लगानी हो तो कैसे लगाओगे? उसके कई रीजंस हैं। देखो, नंबर एक पे बहुत इमरजेंसी आ गई, फास्ट ब्रेक। लगा दो ब्रेक। अगर आपको लगता है कि आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पीछे भी कोई नहीं आ रहा और आगे एक चीज आ गई, आप इस तरफ भी नहीं जा सकते, इस तरफ भी नहीं जा सकते, ब्रेक लगा दो। न्यूट्रल पे करना है तो न्यूट्रल पे कर दो, गाड़ी फ्री हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं। दूसरा है कि हैंडल द सिचुएशन। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई चीज आगे आ रही है, अगर आपने न्यूट्रल पे कर दी गाड़ी एन गियर और आगे फिर आपको गाड़ी चलानी हो तो गाड़ी तो हो गई फ्री। गाड़ी में क्या होता है, इंजन होता है, व्हील होता है। जब गाड़ी गियर में है, आपने क्लच दबाया, पांचवे से चौथा गियर, चौथे से तीसरा गियर, तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहले, वो इंजन के साथ व्हील जो है कनेक्टेड है, यानी गाड़ी बंद नहीं हो रही है। जब आपने न्यूट्रल गियर पे ले ली गाड़ी, क्लच दबाया, न्यूट्रल पे ले ली, तो इंजन इस व्हील के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। उससे क्या है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने बहुत ज्यादा ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी रुक जाएगी, तो गाड़ी चलेगी नहीं है, तो उससे क्या है कि आपको रिस्क हो सकता है। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि गाड़ी अगर बहुत ज्यादा स्पीड में लगानी है तो उसको फिफ्थ गियर है बहुत ज्यादा करनी है, गाड़ी को हमने फर्स्ट गियर पे ले लिया, फर्स्ट गियर या सेकंड गियर पे लेके आ गई, गाड़ी बंद नहीं होगी। इमरजेंसी में आपने एकदम ब्रेक भी लगा दी, आपने क्लच दबाया, दूसरा गियर पे लगा दिया, ब्रेक लगा दो, स्पीड बिल्कुल डाउन हो जाएगी, 10 पे आ जाएगी, 100 से 10 पे आ जाएगी, आगे वाले को आपने बचा लिया, गाड़ी बंद भी नहीं हुई। क्योंकि इसके साथ अगर आप न्यूट्रल नहीं करते, दूसरा गियर या पहला गियर लगाते हो तो इंजन स्टॉप नहीं होगा, गाड़ी चला सकते हो। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट कब होता है, आप हिल पे हो, हिल से नीचे आ रही हो, यह आपकी गाड़ी है, ठीक, आप हिल से नीचे आ रही हो, एट ए टाइम आपको न्यूट्रल नहीं करना। नो, आपने अगर पांचवे से तीसरे गियर पे लगा दो या पांचवे से दूसरे पे लगा दो वो चलेगा, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रल करके ब्रेक लगा दी तो पहिए खुले हो जाएंगे, गाड़ी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, इंजन ठंडा हो जाएगा, गाड़ी फिर स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे स्टार्ट भी करना है, इट मींस कार को रोकना मुश्किल भी हो सकता है। ब्रेक लगा दी, उसके बाद ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी आगे जाएगी, ओके? तो बेस्ट यही है, उसको गियर में ही रखिए। वैसे भी एक असूल होता है कि हम कहीं भी जाते हैं, अगर हमारी हैंड ब्रेक नहीं लगती है तो गाड़ी को गियर में डाल देते हैं, इवन स्टॉप में भी, तब भी गाड़ी नीचे नहीं जाती, क्योंकि गियर में गाड़ी अगर सिर्फ एन गियर, न्यूट्रल गियर को छोड़ के गाड़ी का इंजन के साथ कनेक्शन होता है तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली ब्रेक का काम कर देती है। आप कहीं भी जाओ, डाउन हिल में जा रहे हो,
डाउन हिल है, आपकी हैंड ब्रेक नहीं लगती, दूसरा तीसरा गियर डाल के रख दो, गाड़ी नीचे नहीं जाएगी। तो ऐसे आप हाई स्पीड के ऊपर ब्रेक लगा सकते हो, गाड़ी रोक सकते हो। न्यूट्रल में करना कोई समझदारी नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे के जो कार ड्राइविंग के वीडियोस हैं उसको आप देख सकें। नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसको बटन दबाइए। और इस चैनल में न्यू वीडियोस आपके ईमेल में आ जाएंगे, या आप जब भी यूट्यूब को खोलोगे उसमें आएंगे। ओके, थैंक यू।